दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने 50 से भी ज़्यादा ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया है, जिसमें से एक फ्री फायर भी है जो कि इंडिया का बहुत ही बड़ा गेमिंग ऐप है। पहले आपको तो पता ही है कि कुछ समय पहले पबजी बैन हुआ था, जिसके कारण बड़े बड़े क्रिएटर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। पर अब इंडिया में फ्री फायर, जो कि एक ग्लोबली बहुत ही बड़ा ऐप गेमिंग ऐप था, वो भी बैन कर दिया गया है। इससे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स, छोटे क्रिएटर्स सभी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आपको तो पता ही है कि इंडिया में फ्री फायर की काफ़ी ज़्यादा यूजर्स हैं। ये 2019 का बेस्ट पॉपुलर गेम भी रहा है और 2020 में इसे मोस्ट डाउनलोडेड गेम का भी पुरस्कार दिया गया है। ये गेम इतना पॉपुलर था कि इस पर भुवन बाम और श्रद्धा कपूर ने भी दिवाली के समय एक डेडिकेटेड सॉन्ग इस पर बनाया था। पर अब ये ऐप पूरी तरह से इंडिया में बैन हो चुकी है। इसको काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, न्यूज़ रिपोर्टर वालों ने भी इसको कवर किया है। अगर आप इसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, एप्पल स्टोर कहीं भी सर्च करो तो अब आपको ये गेम देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो पिछले साल इसने US में $150 million से भी ज़्यादा का ये प्रॉफिट जनरेट किया था और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे ज़्यादा बिकने वाला गेम इसको कहा गया है। फ्री फायर बैन होने की जो सबसे बड़ी अगर रीजन है, जिसकी अगर हम बात करें तो वो है हमारी प्राइवेसी। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार फ्री फायर से हमारी काफी ज्यादा डेटा, काफी ज्यादा प्राइवेसी लीक हो रही थी और इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने इसे और काफी सारी ऐप को बैन कर दिया है। तो आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।